Hi everyone and welcome to another vlog. So अभी मैं एक्चुअली हूँ रूरल बेंगलोर में टू कप्स यहाँ पे हम लोग रुके थे थोड़ा गन्ने का जूस पीने और हम लोग के पास आज है फसिनो और ये मेरा दोस्त है अविनाश इसको ज़्यादा कोई मेरे दोस्त जानते नहीं है लेकिन देवाशीष देखेगा तो खुश हो जाएगा ना तो अभी हम लोग जा रहे हैं अबलबेट्टा हिल टॉप जो कि यहाँ से 60 किलोमीटर पड़ता है सिटी में रह रहे कि पूरा दिमाग पक गया था और गाड़ी वाड़ी 4-5 दिन खान नहीं जैसे लगा जैसे भाई पूरा फ्रस्ट्रेटेड हूँ तो फिर इसके पास ही चला आया अभी 2-3 दिन वो यहाँ पे ये अपन बेंगलोर के थोड़ा सा बाहर निकलेंगे तो अभी कुछ मेरे हिसाब से 1 बजने के लिए 15 मिनट ही होगा मैं सुबह उठा खाया पिया और बोले कि चल निकलते हैं कहीं मतलब ये ना थोड़ा से गांव टाइप का वाइब देता है जब मैं झारखंड में था तो वहाँ पे ऐसे ही जगह सब रहता है चारों तरफ पहाड़ होंगे बीच में गाँव लोग घर कस्बा तो ये थोड़ा सा वो वाइब देता है हम लोग के पास एक्चुअली 3 रूट था एक चिकमंगलूर देख के उस तरफ से जाने का जो कि अराउंड 78 पड़ता है लेकिन रास्ता वो काफ़ी अच्छा है वो जो वहाँ पे नंदी हिल्स है उस तरफ वो उसको क्रॉस करके जाता है एंड देन और एक रास्ता था उस तरफ से जो कि अराउंड 68 किलोमीटर पड़ता है और ये इस पहाड़ को क्रॉस कर देता अरे ब्रो गिर जाएंगे लग रहा है अपना उड़ीसा में जो देवमाली रेंज है ब्रो ये पर उसी की तरह नहीं दिखता हाँ पूरा भाई पहाड़ पे रास्ता बनाए ये लोग यहाँ पे क्या भीड़ था क्या भीड़ तुम लेकिन और हम लोग कुछ यहाँ पे शायद 15-20 मिनट तक खड़े थे एक्चुअली क्या हुआ था कि कल 200 का डाला था लेकिन उसमें कुछ उठ नहीं रहा था तो मैं थोड़ा सा मतलब सोचने पड़ गया ऊपर से आज वहाँ पर रास्ते में एक पानी था वाटर क्रॉसिंग तो वो नीचे का है ना वो ऐसे झूल रहा है तो उसको ठीक कराना पड़ेगा हो गया ब्रो तो अभी हम लोग ब्रो कहाँ पे है मैप में देख रोड तो ये अभी हम लोग अमृता गंगा रोड है और यहाँ से कितना किलोमीटर दूर है ब्रो 13 किलोमीटर तो यहाँ से 13 किलोमीटर दूर है और पहुँचने वाले ही हैं लगता है हम लोगों को वहाँ पर ट्रैक वेक करने के लिए भी होगा शायद थोड़ा ऊपर चढ़ना पड़ेगा ना तो दिक्कत है यार चलो तो हम लोग अभी जस्ट पहुँचने ही वाले मैप में दिखा रहा है कुछ कहाँ दिखा रहा है ये सही रहा कुछ 10 किलोमीटर है पता नहीं आप लोगों को दिखा कि नहीं रोड का कंडीशन ना कुछ अच्छा नहीं है ना खास नहीं है तब टूट गया है यहाँ पे ये लोग थोड़ा वो काम तो कुछ कर रहे हैं बैरिकेडिंग का ये रोड एक्चुअली ब्रो ये मेन रोड नहीं है जो मेन रोड है वो अलग तरह से आता है ये गांव का रास्ता है थोड़ा सा वो चढ़ाने वाले जगह धीरे धीरे
काफी ज्यादा प्रेशर लगाना पड़ रहा है ना। क्या हुआ, आग में कुछ गिरा क्या? हाँ तो थोड़ा पीछे रहे। एक्चुअली अभी 2:30 बज रहे हैं ब्रो, 2:30 नहीं 3 बजने वाला है, 3 बजने वाला है। इतना धूप में हम लोग ट्रैकिंग करने जा रहे हैं और मुझे देखिए ये भी अपना ब्लॉगिंग स्टार्ट कर दिया 2 किलोमीटर। भाई ये तो गलत है कि नहीं? ठीक है तू फिर से तू फिर से अपना ब्लॉग चैनल स्टार्ट करने वाला है क्या? नहीं, बस ऐसे ही खुद के लिए, खुशी के लिए। देखो वो अपने लिए ब्लॉग कर रहा है, सही है। एक्चुअली मोटिवेशन मिलता है। हुआ क्या है ना ब्रो, मैं बताता हूँ तेरे को वहाँ पे क्या बातचीत चल रहा था, उनका झगड़ा। लोग वहाँ पे बातचीत कर रहे थे, एक तो बाइक ले के ऊपर जाने के लिए अलाउ नहीं है, दूसरा वो जो क्लिफ नहीं है जिसके बारे में बात कर रहा था वो मना कर दिया, क्योंकि वहाँ पे कोई एक पता नहीं कूद के अपना जान दे दिया, डेथ हो गया है। हाँ अभी तो पूरा ऊपर चढ़ना है पहाड़। हाँ अभी पे चढ़ना पड़ेगा, कान फटने वाली है। मैं जब शिवा गंगा गया था तो वो ट्रैक किया था। चलते हैं आज घर जाने के बाद, तो सुबह निकलेंगे नंदी हिल्स के लिए। ठीक है, लेकिन ये देख क्या है ना, नंदी हिल्स ये जो पहाड़ का रेंज है, नंदी हिल्स यहाँ पे है और इस सीधा जाके ये उसका पीछे वाला। मैं तो बोल रहा हूँ अभी चलते हैं नंदी हिल्स, अभी जाके क्या फायदा है, होगा जाते जाते शाम हो जाएगा। नहीं अभी आए हैं तो अभी चल जाते हैं ऊपर। हाँ ऊपर जाने के बाद बोल रहा हूँ मैं, जब मैं पिछला ट्रेकिंग किया था वहाँ पे दो रास्ता है, तो शायद वो बाइक के लिए होगा घूम के जाने के लिए, और ये वाला मोस्ट प्रोबेबली चल के जाने के लिए। भाई मेहनत तो बहुत ज़्यादा है ये यूट्यूब करने के बाद, ये जो कंटेंट क्रिएट करने के लिए आधा जान निकल जाता है। कल चले जाना क्लास, लेकिन जाने से पहले कल सुबह नंदी हिल चले जाएंगे। बोल रहा हूँ उठते तो नहीं पानी से, देखते फिट रहना कितना जरूरी है। जरूरी है। धीरे धीरे गुफा जितना होते जा रहे हैं, चलो हम लोग एटलीस्ट गलत तो नहीं थे, वो रास्ते से घूम के आना था और ये उसका शॉर्टकट था जो अच्छा। हम लोग अभी एक दर्दनाक न्यूज सुनने को मिला, कोई मर गया ऊपर, तो वहाँ पे और छोड़ नहीं रहे, नीचे बोले थे कि 1 महीना पहले और अभी। हम लोग पूरा अभी पहाड़ के ऊपर ही हैं ऑलमोस्ट, एंड ये पूरा पहाड़ का रेंज है दूर तक। पिछले वाले ट्रैकिंग में एटलीस्ट ऊपर जा सकता था जहाँ पे जाना था, यहाँ पे तो बोल रहे हैं वहाँ पे छोड़ ही नहीं रहे, तो वो एक दिक्कत है। अब इतना दूर आ ही गए हैं और थोड़ा सा ही चढ़ना है, ठीक है, तो भाई फिर लौट के जाके कोई फायदा नहीं है, समझ रहे हैं ना। टॉप भी है ये ना। हाँ। व्यू तो भाई देखने लायक है ना, मस्त देख कितना सारा छोटा-छोटा पहाड़ है, हवा मस्त आ रहा है ना। और हम लोग सबसे ऊंचे वाले पहाड़ में, वो जो दूर वाला है वही है ना नंदी हिल्स? कौन सा वो जो पूरा दूर में जो दिख रहा है? वो नहीं है ना।
माउंटेन रेंज है और क्या। ब्रो जल्दी कर और थोड़ा सही ऊपर में। वहाँ पे कुछ देर सारे पार छोटे छोटे पार देर सारे पार छोटे छोटे पार यहीं तक ही था तो था। हम लोग जहाँ पे आए थे मिला नहीं, मगर नेक्स्ट टाइम जरूर आऊँगा। आई होप कि जब तक ये लोग खोल दिए होंगे। चलो अफसोस कि जिस क्लिफ के लिए आए थे फ़ोटो उठाने, इतनी मेहनत करके इतना दूर से पेट्रोल जला के, वो हो नहीं पाया। सब तो है कि नहीं। हाँ तू तो आधे रास्ते में जवाब दे दिया तो क्या। हाँ बोल दे अभी पूरा ओके। फिर झुक झुक के जंगल के नीचे से जाना पड़ रहा है और एक शॉर्टकट लेना है। फाइनली पहुंच गए डन एंड डस्टेड। तो वहाँ से हम लोग निकलने के बाद अभी आधे रास्ते हो चुके हैं, मतलब 15-16 किलोमीटर चला चुका हूँ। अभी कुछ 5:30 बज रहे हैं और अपने को 6:30 तक घर में पहुँच जाना चाहिए, क्योंकि ज़्यादा लेट करेंगे तो ठंड लगेगा और यहाँ पे पहाड़ी इलाका है थोड़ा। अगर आप 7 के बाद ठंड लगता ही ना ब्रो, ज़रा लेट कर नहीं सकते। एक्चुअली हम एक्स्ट्रा कपड़े पहने भी नहीं है, वो वहाँ पे रखे थे लेकिन जल्दबाजी में निकल है, मैं तो भूल गया। एनीवे हम लोगों को एक्चुअली अभी तेज भूख भी लग रहा है और सोच रहे हैं क्या खाएं। ये थोड़ा रूरल एरिया है तो यहाँ पे उतना कुछ खास मिलता है नहीं। आज वही 11:30 के आसपास डोसा ही खाए थे और कुछ खाए नहीं थे, ऊपर से इतना चलने के बाद तो और भूख लग रहा है। लेकिन सोच रहे हैं ब्रो कहाँ खाएं, अगर खाएंगे तो वहीं खाते हैं। कहाँ बोल दो, जहाँ से तुम्हारे कल पिकनिक किया था, क्या नाम है वहाँ का, क्या नाम है, हाँ वहीं खा लेते हैं। वहाँ पे एक अच्छा दुकान था तो वो आप बनाता है अच्छा। चलूंगा फोन दर आई फोन दर विकी जल्दी कौन सी बने था भाई स्लो स्लो जी मैं मूली पड़ी भी बस इधर कैमरा तो वाला पिछली बार जो आए थे तो यहाँ पे वाटर क्रॉसिंग में निकल ही गया था, लेकिन अभी लग रहा है कि पानी कम है, थोड़ा निकल गया और निकल गया।
थ्रू नहीं नहीं उतर जाता हूँ थोड़ा सा अगर लेस पड़े तो